दोस्तों आप सभी का पहले देखो पहले सीखो YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं भामाशाह योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगर आपने भी भामाशाह कार्ड बनवा रखा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि भामाशाह योजना जो है अब पूरी तरीके से बंद की जा चुकी है। दोस्तों भामाशाह योजना बंद होने वाली है, इसके तहत भामाशाह योजना के उपलक्ष में यहाँ पे दूसरी योजना को उतारा गया है मैदान में, यानी कि भामाशाह योजना का नाम बदल के यहाँ पे जन आधार योजना यहाँ पे कर दिया गया है। दोस्तों जो भामाशाह कार्ड था अब उसकी जगह जन आधार योजना कार्ड यहाँ पे बनेगा, इसका रंग रूप सारा यहाँ पे बदल दिया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, भामाशाह योजना के तहत जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाओं के लाभ आपको मिलते थे उससे ज़्यादा योजनाओं को इस अब जो नया कार्ड बनेगा जन आधार कार्ड उसमें जोड़ा गया है, यानी कि 56 योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है। जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं सभी योजनाएं आप इस एक कार्ड से सभी योजनाओं का लाभ आप ले सकेंगे। इस कारण से इस योजना को एक अलग ही रूप दिया गया है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। जी हाँ दोस्तों इस योजना का दूसरा नाम रखा गया है एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। तो दोस्तों भामाशाह योजना को लेके क्या बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिन लोगों के पास भामाशाह कार्ड पहले से बना हुआ था उनको क्या दोबारा से अप्लाई करना होगा, या जो नए लोग जो है भामाशाह कार्ड की जगह ये जो ई आधार जो जन आधार कार्ड है ये बनवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको कहाँ पर बनवाना होगा, संपूर्ण तमाम जो जितनी भी जानकारी है आपको हम इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए, और अगर आप इसी प्रकार की गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी अगर आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं किसान भाइयों के लिए जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएँ आती है जितनी भी गवर्नमेंट का लाभ यहाँ पर किसान भाइयों को दिया जाता है इसके लिए मैं चैनल पर वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल का विजिट करें और जितने भी हमारे चैनल के ऊपर गवर्नमेंट की योजनाओं से रिलेटेड वीडियो है वो आपको पसंद आए तभी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से रेड सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के राइट साइड में इस तरीके से बेल या घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। और दोस्तों जानकारी पसंद आती है वीडियो अच्छा लगता है तो थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी लोगों को कितनी पसंद आ रही है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जानकारी पहुँच पाएँ और इस जानकारी से रूबरू अपडेट हो सके। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा भामाशाह योजना को लेकर क्या बड़ी अपडेट आ रही है उसकी तरफ। तो दोस्तों हम हाजिर हो चुके हैं आपके सामने बिल्कुल लाइव और पुख्ता सबूतों के साथ। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं अब भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड कांग्रेस सरकार की नई फ्लैगशिप योजना बनेगी। दोस्तों देख सकते हैं भामाशाह कार्ड की जगह अब जन आधार कार्ड यहां पे बनाने जा रही है कांग्रेस सरकार। तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर हो चुका है, दैनिक भास्कर की ऑफिशियल न्यूज़ जो है हमारे सामने निकल के आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्रदेश में एक नया कार्ड लॉन्च होने वाला है, यह नया कार्ड जो है पुरानी सरकार के फ्लैगशिप यानी कि भामाशाह कार्ड का स्थान लेगा, यानी कि भामाशाह कार्ड की जगह अब ये नया कार्ड बनेगा। यानी कि सरकार बदली है तो लाजमी है कि यहाँ पर जो भामाशाह कार्ड है वो भी बदले जाएंगे। दरअसल पिछली सरकार की कई छोटी छोटी योजनाओं में बदलाव के बाद मौजूदा कांग्रेस सरकार अब पिछली सरकार के फ्लैगशिप योजना जो कहें भामाशाह कार्ड योजना में बदलाव करने जा रही है। तो हम आपको बता दें कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भामाशाह की जगह जनाधार कार्ड जारी करने जा रही है। इसके तहत न सिर्फ कार्ड का रंग रूप बदलेगा बल्कि योजना के स्वरूप में भी कुछ अहम बदलाव किए जाने की तैयारी यहां पे पूरी तरीके से हो चुकी है। भामाशाह की यानी कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में भामाशाह कार्ड को अपनी फ्लैगशिप योजना के तौर पर लागू किया था तो उसी को यहां पे कांग्रेस सरकार भी दोहरा रही है। तो दोस्तों हम बात करें इस योजना की शुरुआत वैसे तो वसुंधरा राज्य के कार्यकाल 2003 से लेकर 2008 के अंतिम दौर में हो चुकी थी, लेकिन 2008 में सरकार बदली और कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उसने इसे
ठंडे बस्ते में डाल दिया, यानी कि इस योजना का काम बंद कर दिया। लेकिन 2013 में जब फिर से भाजपा सरकार लौटी, वसुंधरा सरकार आई, तो तत्कालीन वसुंधरा राजे ने सबसे पहले इस योजना के अंतर्गत काम शुरू किया और इसे पूरे प्रदेश में लागू किया, जिसका नाम था भामाशाह कार्ड योजना। इस योजना के तहत परिवारों के भामाशाह कार्ड बनाए गए और सामाजिक सुरक्षा की सभी व्यक्तिगत योजनाओं के लाभ इस कार्ड के अंतर्गत जोड़ के सभी किसानों को यहाँ पे दिए गए। स्वास्थ्य बीमा को भी इस कार्ड से जोड़ा गया। अभी इस योजना के तहत 1.74 करोड़ परिवारों के कार्ड बनाए जा चुके हैं और सरकार की 56 से अधिक योजनाएं जो हैं इस कार्ड के जरिए इनका लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। बात करें तो यह कार्ड जो है परिवार की महिला को मुखिया मानते हुए उसके नाम पे जारी किया जाता है और परिवार के सभी सदस्यों के नाम इसमें जुड़े हुए होते हैं, उन सभी को इस कार्ड के जरिए यहाँ पे लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करें तो बहरहाल इन्हीं सुविधाओं वाले जन आधार कार्ड को कांग्रेस की सरकार लॉन्च करने वाली है। इसके क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बुधवार को सर्कुलर भी यहाँ पे जारी किया है। भामाशाह कार्ड का चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार जो है इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता जो भामाशाह कार्ड योजना का विरोध कर रहे थे, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने तो यह तक कह दिया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे हम इस कार्ड को फाड़कर फेंक देंगे। हालांकि इस विरोध का एक बड़ा कारण ये था कि जो कार्ड दिए गए थे उन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फोटो था। दोस्तों सबसे बड़ा कारण यही है कि इस कार्ड के ऊपर वसुंधरा राजे का फोटो था और भामाशाह कार्ड का लोगो जो था वो कमल का फूल था, और आप सभी को पता है कि कमल का फूल जो है भाजपा यानी कि बीजेपी सरकार का चुनाव चिन्ह है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो इस कारण से यहाँ पे इसको पूरी तरीके से हटाने की तैयारी यहाँ पे कर रही है सत्ता में आने के बाद। हालांकि कांग्रेस सरकार ने योजना बंद नहीं की और कार्ड भी अभी तक जारी है, लेकिन इस वर्ष जो बजट यहाँ पे घोषित किया गया है उस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि सरकार भामाशाह के स्थान पर जनाधार कार्ड लाएगी, यानी कि भामाशाह कार्ड को बंद करेगी और उसके स्थान पर जनाधार कार्ड लाएगी। नया कार्ड जारी करने में सरकार को करीब 17 से 18 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्चा यहाँ पे उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कांग्रेस जो है जनाधार कार्ड लाने वाली है। सॉरी दोस्तों, सरकार द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान यहाँ पे प्रदान किया जाना है। इसमें परिवार एवं सदस्यों की पहचान तथा पते दस्तावेज के रूप में मान्यता भी इसे दी जाएगी, यानी कि आप इसे एक आईडी के तौर पर भी इसे यूज कर सकते हैं। वहीं नगद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और गैर नगद लाभ आधार और जन आधार द्वारा प्रमाणित होने पर ही मिलेंगे। इसके अलावा प्रदेश की सरकारी योजनाएं, ई कॉमर्स और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ भी इस नए कार्ड के माध्यम से ही आपको मिलेगा। नामांकन के बाद प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या सहित जन आधार कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसमें भी परिवार की मुखिया पूर्व के भामाशाह कार्ड की भांति ही महिला को रखा जाएगा, महिला के नाम पे ही ये जो ई आधार कार्ड है ये बनाया जाएगा। अब जिन लोगों के पास पहले से भामाशाह कार्ड है उनके लिए क्या बड़ी अपडेट आ रही है? तो दोस्तों जिनके पास पहले से भामाशाह कार्ड बना हुआ है उनके लिए क्या बड़ी अपडेट आ रही है? अगर पहले से पंजीकरण है तो SMS के जरिए मिलेगी पहचान संख्या, यानी कि पहचान संख्या जो है अलग पहचान संख्या आएगी। जो पहले जो पहचान संख्या आपके पास है भामाशाह कार्ड में उससे अलग पहचान संख्या आएगी, उसकी सूचना आपको SMS या कॉल के जरिए दी जाएगी और उस ID से वो जो पहचान संख्या है उससे आप अपना पहचान अलग से जो जन आधार कार्ड है वो आप डाउनलोड करवा सकते हैं। पहले से पंजीकरण परिवारों को दोबारा से पंजीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें पंजीकृत मोबाइल पर नई योजना के तहत 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या SMS अथवा वॉइस कॉल द्वारा भेजी जाएगी। इसके बाद नगर निकाय या पंचायत राज यानी कि पंचायत समिति या ई मित्र के माध्यम से ई आधार कार्ड जो है निःशुल्क वितरण किए जाएंगे, आपको निःशुल्क बांटे जाएंगे। ई कार्ड जन आधार पोर्टल अथवा SHO ID के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकेगा। पूर्व में दर्ज विवरण में संशोधन और अपडेट भी आप
यहीं पे करवा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये जनाधार कार्ड बनाया जाएगा तो उसी समय आपका जो पुराना भामाशाह कार्ड था उसमें जो भी गलतियां थी, जो भी त्रुटियां हैं, उनमें भी आप सुधार करवा सकते हैं, उनमें भी आप अपडेट करवा सकते हैं। वहीं जिनका पंजीकरण अभी तक नहीं हुआ है तो दोस्तों वे जनाधार पंजीयन केंद्र पर जाकर अपना नया जनाधार कार्ड के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं और गवर्नमेंट की योजनाओं के लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जन आधार कार्ड यानी कि भामाशाह कार्ड को लेके बड़ी अपडेट। तो दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके मन में सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई के माध्यम से आपको आंसर दे सकूं। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच पाए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल या घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट और ताज़ा जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान।